अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरतें पांच वक्त की नमाज पढ़ती हैं, जो औरतें पांच वक्त की नमाज पढ़ती हैं, रोजा रखती हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं और अपने शौहर की कमाई का ख्याल रखती हैं, ऐसी औरतें कल कयामत के दिन जन्नत में जाएंगी, जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औरत से पूछेगा जो दुनिया में नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी और अपने अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती थी, कल कयामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला पूछेगा ए औरत तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहती है जन्नत में दाखिल हो जा। इसका मतलब क्या है? औरत को ये काम यानी नमाज पढ़ना आज हमारे माओ बहनों के अंदर बेनमाजी ज्यादा है, नमाजी बहुत कम है और बेनमाजी बहुत ज्यादा है। यानी अगर सर्वे किया जाए तो 98% औरतें बेनमाजी हैं और 2% औरतें नमाजी हैं और 2% में भी 5 वक्त की नमाजी नहीं है। तो औरत को ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़नी चाहिए। देखो हम ये नहीं कहते इस्लाम इसकी सख्ती नहीं करता कि भाई आपको पढ़नी ही है, बल्कि मुमकिन ये कोशिश करे कि जितनी भी नमाजें उसको आसानी से मिल रही है कम से कम वो तो पढ़ ले,